हेलो, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लेवर फीस्ट पर। मैं आज खाजा बनाने जा रही हूँ, उसके लिए मैं ये मैदा ली हूँ 2 कटोरी। 1 कटोरी ये, दूसरी कटोरी। 2 कटोरी मैदा ली हूँ। मोहन के लिए मैं इसमें 2 चम्मच घी डाल रही हूँ। मोहन को अच्छे से मिला लेना है। जब तक आटा ऐसे ना बन जाए, इस प्रकार बन जाना चाहिए, मतलब मोहन अच्छा है। हल्का सा पानी डालकर इसका ऐसे डो बना लेना है। ये डो बनकर तैयार हो गया है। इसको 10 मिनट के लिए ढक कर रख देती हूँ। इधर मैं साटा बनाने के लिए 2 चम्मच घी ली हूँ। ये साटा बनकर तैयार हो गया है। इसको मैदा और घी से बनाई हूँ मैं। आप चाहो तो चावल आटे से भी बना सकते हो साटा को। इधर मैं 1 कटोरी शुगर ले ली हूँ। उसमें उतना ही पानी डालना है जितना शुगर डूब जाए, बस। खाजा के बनते तक इधर चाशनी भी बन के तैयार हो जाएगा। एक तरफ चाशनी को रख दी हूँ मैं। ये 15 मिनट हो चुका है, डो भी सेट हो चुका है। ये मैं लोई बना ली हूँ, 5 5 लेयर वाली बना रही हूँ मैं। इस प्रकार पतला पतला बेल लेना है, पतला रहे। ये मैं पूड़ी बेल कर रख ली हूँ, बड़ी साइज की। नीचे वाली पूड़ी सबसे बड़ी होनी चाहिए। मैं सांटा लगा रही हूँ इसके ऊपर। उसके ऊपर दूसरी पूड़ी रख रही हूँ। इस पर भी सांटा लगा रही हूँ। सभी पूड़ी में सांटा लगाना है। ये 5ों लेयर में मैं सांटा लगा ली हूँ। इसको टाइट एकदम ऐसे धीरे धीरे मोड़कर थोड़ा इसमें भी लगाना है। एकदम टाइट मोड़ना है, हवा नहीं जाना चाहिए इसके अंदर। इस प्रकार ये किनारे का अपने को ऐसे धीरे से काट लेना है। धीरे धीरे आप काटेंगे तो ये लेयर इस प्रकार का दिखेगा। तलने के बाद और बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऐसे सेट कर लेना है। खाजा को मैं इस प्रकार तैयार करके रख ली हूँ। इधर तेल भी गर्म हो चुका है। इसको मीडियम आंच में ही पकाना है। ये अपने आप ही ऊपर आ जाएगा। ये खाजा अपने आप ऊपर आ चुका है। धीमी आंच में सेकने से यही होगा कि सभी लेयर अच्छे से पक जाएंगे अंदर तक, नहीं तो कच्चा रह जाएगा। इसीलिए इसको धीमी आंच में ही सेकना है। खाजा अच्छे से तल चुका है, ब्राउन होते तक तलना है इसको। निकालने के बाद भी इसमें कलर आता है। अब ये सेकेंड बैच को भी डाल रही हूँ।
तो इस प्रकार डुबा कर ऐसे निकाल के अलग प्लेट में रख लेना है। एक खाजा बनकर तैयार हो गया है। आपको अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तक जितने लोगों ने लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।